बीजेपी मोदी ने योगी जी अब तो सर आप यूपी के लिए योगी सिर्फ योगी 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 रही है देखा मैं जोड़ीदार हूँ क्या छोड़ देंगे फूल ही फूल चले गए सवेरे में चौरा लंग तो फूल ही फूल हुए फूल ही चढ़े अरे नहीं अपना तो मोदी योगी जी को गुट करेगा साइकिल को निकालोगे या फिर भगवा को बाहर निकालोगे फूल ही खिलेगा अब तो बीजेपी का है बीजेपी का नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूं मैं आगरा के बटेश्वर धाम में। जी हां, आगरा का बटेश्वर धाम इस बार फिर से सुर्खियों में है कि यहां पर आखिर कौन बाजी मारेगा, क्योंकि कुछ ही दूरी पर यहां से मंदिर से अटल बिहारी वाजपेयी का घर है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का घर है। लेकिन यहाँ तमाम दर्शन करने भी लोग आते हैं, उनसे भी जानते हैं और यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के नाविक क्या सोचते हैं, सबसे एक एक करके बात करके क्या इस बार परिवर्तन की लहर है या फिर योगी राज के काम से लोग खुश हैं। तो सीधे सीधे महिला भी है, युवा भी है, बुजुर्ग भी है, सबसे बात करूंगा। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूँ क्या कुछ बदला 5 साल में। हाँ, बहुत कुछ बदला योगी के टाइम में, बहुत कुछ देखने को अच्छा अच्छा मिला है और मैं बहुत पसंद करती हूँ योगी को। तो महिलाओं की सुरक्षा हुई है, सब दावे ऐसे करते हैं? नहीं, महिलाओं की सुरक्षा भी है। आज के युग को देखते हुए हर चीज महिलाओं के लिए आगे किया जाता है। जो भी हम महिलाओं की स्थिति क्या थी पहले की स्थिति ये थी, महिला कहीं से भी सेफ नहीं थी और रात को डेड नाइट निकल नहीं सकती थी। आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो महिला है, बहुत तरक्की कर रही है, चांद तक जा रही है हमारे यहाँ की, चांद तक जा रहे हैं। लेकिन प्रियंका वाड्रा भी एक महिला है और वो 40% महिलाओं को टिकट दे रही हैं और बड़ी बड़ी बात करती हैं, लड़कियों लड़ सकती हैं, उनके दावे और वादे में कितनी आपको सच लग रहा है? देखिए, वो है एक नेता और नेताओं का काम है दावे करना और वादे करना। वो उनके लिए जो कर रही हैं उनके लिए अच्छा है और हम जनता है, हम जनता की तरह से सोचते हैं। तो हम भारत में जो भी देख रहे हैं आज नारी की सुरक्षा पहले से ज़्यादा है, पहले से ज़्यादा है। आप भी क्या सोचते हैं, ये तमाम चल रहा है झूठ चल रहा है कि सच में काम किया बीजेपी ने? बीजेपी ने अगर काम नहीं किया होता तो आज हम यहाँ बटेश्वर धाम में कह नहीं रहे होते कि ये आएगा वो आएगा। जहाँ तक मैं अपनी बात जानता हूँ तो मुझे एक जरूर जो फीलिंग आती है, बीजेपी राज जब से आया है तब से देश प्रेम के नाम पर लोग कम से कम बात तो करने लगे। अभी तक तो सिर्फ जाति पे बात होती थी, समाज पे बात होती थी, पहली दफ़े देश पे बात हो रही है कि अगर आप उसका समर्थन करते हैं तो आप ये इस पार्टी के या देश के प्रति समर्पित हैं या नहीं है। तो ये जो सोच डेवलप हुई है वो शायद मेरे कैसे किसी सरकार में नहीं थी। और बात अगर विकास की करें तो सबको मालूम है, सबको फील कर रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर जितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हैं, युवाओं को रोजगार भी मिला है। कोई माने या लॉकडाउन में जहाँ विश्वभर सारे में शांति थी, हम सिर्फ एक देश इंडिया ऐसा है जिसने अच्छी तरह से फाइट किया है अगेंस्ट कोरोना। लेकिन विपक्ष है, विपक्ष अपनी बात रखता है, कहते हैं महंगाई बढ़ा दी, अखिलेश यादव कहते कुछ नहीं, ये तो यूपी का रेड ले ली इन्होंने। सर एक बात बताइए, मिठाई की दुकान वाला अपनी मिठाई की तारीफ करेगा या दूसरे की करेगा? दूसरे की अगर आप बहुत विश्व प्रसिद्ध मिठाई की भी इन मिठाई वालों से अगर बात करेंगे तो वो भी खराब बताएंगे। फीता काटने की बड़ी बात कहते हैं अखिलेश यादव। सर एक बात बताइए, अगर फ्री, मैं अपने घर में ही अगर सबको फ्री करता रहूंगा तो 5 जने का खाने वाले हैं, 1 जना कमाने वाला है तो उसी का निकलता रहेगा, परिवार एक दिन ध्वस्त हो जाएगा। ऐसे देश का हाल है, मुझे नहीं चाहिए फ्री, मुझे देश चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे ये समाज में बंटवारा नहीं चाहिए, दंगे वंगे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ विकास चाहिए, सिर्फ विकास चाहिए। सर विकास कौन कर सकता है फिर? सर विकास पुरुष अब तो सर आप यूपी के लिए योगी सिर्फ योगी योगी योगी। ये अखिलेश कहते हैं अनुपयोगी है तो अखिलेश को हम नहीं जानते कौन है अखिलेश, हम सिर्फ कोई गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, कुछ नहीं किया, हम नहीं जानते अखिलेश कौन है। प्रियंका वाड्रा कहती है हम ही करेंगे काम। प्रियंका वाड्रा को जानते, वो तो खुद कुछ नहीं होते, वो गवर्नमेंट का पैसा खा रही है, मुफ्त के घर में रह रही है। जो काम अखिलेश के बाद मिला युवाओं को रोजगार, जी योगी के आने के बाद जो काम हुआ है वो कभी नहीं हुआ। अखिलेश यादव केवल गुंडा राज आता है उसका, समाजवादी बस टोपी लाल करके वो रेड अलर्ट देता है, बस रेड अलर्ट, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली धुआं गाड़ी, धुआं बिल्कुल। देश के टाइम पे तो धमकी दी जा रही है, हम आए तो ये कर देंगे पूरी एक समाज को, जो देश का मेन जो समाज है जिसके नाम पे हिंदुस्तान बना, हिंदू था, उसके नाम पे गालियां दी जा रही है कि बोला हमारा शासन आ रहा। सर क्या करेंगे आप, हमें भगा देंगे, मारेंगे, हमारे घर के बच्चों को छीन लेंगे। वो टोंटी चोर है, ये मायावती कहाँ है आजकल?
कहीं घूम गए, गठजोड़ हो गया, गठजोड़ हो गया बीजेपी के साथ, बीजेपी को समर्थन दे दिया, उनकी खामोशी बताती है कि वो भी सरेंडर हो गई विकास पुलिस के सामने। मायावती हाथी की तरह अड़े हो गई है, वो वहीं रहेंगे, उससे आगे उससे बढ़ने उससे साइकिल कहाँ है, साइकिल साइकिल तो साइकिल के तो हवा निकल रही है, निकल पंचर हो गया। बीजेपी बीजेपी रहेगी, बीजेपी के आगे कोई नहीं है। योगी हम फिर से एक बार यूपी में काम भी हुआ है, बस एक एक रिक्वेस्ट है बीजेपी, जब आज आने के बाद महंगाई को थोड़ा कम करो, बाकी और सिर्फ बहुत बढ़िया, बाकी बढ़िया, बाकी सुरक्षा मिली है, बहुत सुरक्षा मिलती है, सड़क बिजली पानी सब सब, सब बहुत बढ़िया मिला है, गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी खत्म। कितना दम लग रहा है आगरे के अंदर, तो ऐसा है कि लाइट अब जाती नहीं है हमारे क्षेत्र के अंदर, तो बहुत अच्छी लाइट आ रही है, पहले हमारे यहाँ लाइट नहीं आती थी, बस एक है गरीबों को खाने को अच्छा मिल रहा है, ये महंगाई है लेकिन जो हम लोग हैं उन लोगों के लिए महंगाई महफूज हो, लेकिन महफूज हो ना इस सरकार में, पहले महफूज नहीं थे ये नहीं है कि अभी हम पहले निकल नहीं सकते 6 बजे के बाद, लेकिन अब हम लोग रात में भी जा सकते हैं, अकेले सफर भी कर सकते हैं, अब महिला मार सकती है, मार सकती है लोगों को, डाकू कांग्रेसी को मार सकती है, अच्छा पहले इतने सशक्त नहीं, पहले औरतों में दम नहीं था, अब दम मजबूत है, अब मजबूत हो गई है, योगी जी मोदी योगी जी योगी जी, रहन सहन में भी फर्क आ गया, पहले औरतें काफी वैसे रहती थी, उन लोगों के रहने पर्दा, एक तो उनने पर्दा प्रथा को कम कर दिया, यहाँ पे जो भी करेगा जो बीजेपी का है वो हिंदू हिंदू हिंदू, अगर बात करेंगे हम कुछ ही टोपी वाले भी आते बताते हम भी राम भक्त हैं सर, वो टोपी हाँ हाँ बिल्कुल बहुत बड़े भक्त हैं वो, अब मोदी भक्त हो चुके हैं, मंदिरों में टिंके करवा रहे हैं, अगर वो अगर मेरे तो हनुमान जी का कलर वो है केसरिया और लाल से मिलता जुलता, वो भी इसी वजह वो तो सड़ में आ चुके हैं सब हनुमान जी, जिन्नावादी लोग आ रहे हैं निकल के जिन्ना पाकिस्तान, बस दुर्भाग्य तो देश का यही है कि उस बंदे की तारीफ करते हैं जिसने आपका देश को तोड़ दिया, इससे बड़े देशद्रोही कोई और क्या होगा, फिर कह रहे हैं कि मायावती जी का आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा, तो इसका मतलब दोबारा से जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ सब पब्लिक, अब बहुत वो वाली पब्लिक नहीं रहेगी, 50 वाली पब्लिक, अखिलेश की बुआ है मायावती, बुआ ने डुबा दिया था, गोद में बिठा लेगी फिर से, अगर समाजवादी पार्टी वाले इतने बड़े राम भक्त होते तो उस समय अखिलेश यादव के पिताजी की सरकार थी, तब क्यों मंदिर तोड़वाया गोली चलवा दी, फिर कहते हैं हम राम भक्त हैं, कैसे राम भक्त हैं ये, मंदिर तोड़वा दिया, कहते हैं हमसे बड़ा को राम भक्ति नहीं है, और राहुल गांधी तो जनेऊ डाल के घूमते हैं, फिर काय के लिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात रही वो राहुल करता है क्या आज तक, ये समझ लिया है जिसके इतने करोड़ों की संपत्ति है वो आज तक समझ लिया है, वो कहाँ से आई है कोई तो बताए कौन सा काम करता है, और तो सबसे बड़ी बात यह है कि बेचारे को रोजगार नहीं है, खुद पर रोजगार नहीं है, इतने हजारों करोड़ों की पार्टी में रोजगार नहीं है, अब तक शादी नहीं हो रही उस बेचारे की, उसकी शादी करवा लो भैया वो, ताकि जो पागलपन कुछ कम हो, उसके पागलपन है, शादी कौन करेगा, शादी करेगा कौन, पप्पू नहीं करेगा, पप्पू से कौन शादी, कोई पप्पी है ही नहीं ऐसी शादी कर ले, आप बहुत घूर कर देख रहे हो, क्या लग रहा है माहौल, कुछ नहीं लग रहा, बीजेपी का है बीजेपी का है, साइकिल दौड़ेगी नहीं दौड़ेगी, क्या करते हैं आप, हम तो ड्राइवरी करते हैं, ड्राइवरी करते हैं, तो कुछ पहले से स्थिति बेहतर हुई है, ऐसा ही है, बेहतर क्या लग रहा है माहौल, बहुत बढ़िया है माहौल, माहौल बढ़िया एकदम एकदम बढ़िया, क्या काम वाम हुआ है, नहीं हुआ है, बहुत काम हुआ, इससे ज्यादा क्या काम होगा, क्या काम हुआ, कहते चोरी डकैती, पता नहीं चोरी डकैती गुंडागर्दी सारी खत्म हो चुकी है, और मंदिर पर सबसे ज्यादा ध्यान है, रोड पर रोड है, लाइट है, सारी चीज है, तो मंदिर बड़ा मुद्दा है इस बार, हाँ इस बार यहाँ कुछ क्या कुछ काम हुआ, बटेश्वर में यहाँ सारा बहुत कुछ काम हुआ है, सड़क सुधरी मंदिर भी बना, बिजली कितने घंटे आती है, बिजली भी कम 17-18 घंटे चल रही है, अच्छा आप क्या करते हो, अरे जाना नहीं है, क्या करते हो, हम तो नाव चलाते हैं, नाव चलाते हैं, तो आमदनी बड़ी पहले से कुछ, हाँ बड़ी है, तो नाव चलाते हो तो साइकिल को निकालोगे या फिर भगवा को बाहर निकालोगे, फूल ही खिलेगा, अब तो फूल खिलेगा तो वजन भी नहीं है कुछ भी, साइकिल को नहीं ले जाओगे उधर, साइकिल नहीं, साइकिल तो गई कबाड़े में गई, अरे पंडित जी तुम भी ना क्या करवा के मानोगे, चल रही है, देख ला हमारे जोड़ीदार होंगे, छोड़ देंगे, देखो फूले फूल चलेगा ना, सवेरे में चौरा लग तो फूले फूल हुए, फूल ही चढ़े, काय बड़ी दिख ना रहा, साइकिल का क्या हिसाब है फिर, वो अपने अपने को दोगे दूसरे को दोगे, फिर तो बताओ साइकिल का पता लगती होगी, होगी ये बताओ, जैसे अब यहाँ पे आते हो आप, यहाँ देख रहा हूँ मैं सारे बीजेपी वाले हैं, कभी साइकिल वाला भी कोई आता है, जैसे लगता हो कि भैया साइकिल वाला आया, तो यहाँ पे दुनिया अपने को देखती है, अपने को देखती है,
तो योगी जी का काम अच्छा लगा? अच्छा है ना बढ़िया। क्या सुधरी स्थिति पंडित जी, आप देखते रहते हैं? काम बढ़िया है ना, कोई कमी ना थी। निरो धरो भगवान पे, बेका योगी जी का दे जाएंगे जी, खुद ही योगी जी को देंगे। जय जयकार है क्या अभी की, जय जयकार रह जाएगी। और आशीर्वाद मिलेगा, पूरा मिलेगा, पूरा हिसाब किताब तुम्हें मिलेगा दोनों का। बिल्कुल हमें भी मिलना चाहिए। कैसे हंस रहे हो तुम, क्या मामला, क्या नाम है तुम्हारा? पप्पू। क्या करते हो? नाव चलाता है। अच्छा आपका नाम क्या है? पप्पू। अच्छा पप्पू हलवाई। हाँ तो आप भी चलाते हैं नाव? नाव नाव चलाते हैं। अखिलेश यादव का हिसाब किताब क्या है? अरे नहीं, अपना तो मोदी योगी जी को बुट गया, कहता है काम वाम नहीं हुआ, सब बेचारे गरीब गरीब लोग हैं, स्थिति खराब हो गई। बढ़िया सब गल्ला पानी से बढ़िया मिल रहा है, टाइम से दूध देते हैं। बोलना देख लो, यहाँ वटेश्वर धाम है। अरे धाम में नहीं, बहुत बढ़िया। दो टाइम का राशन मिल रहा है? हाँ दो टाइम का राशन मिल रहा है। पक्का मिल रहा है? पक्का। अरे आप भी यार पीछे बैठे यार, थोड़ा आपसे बात करनी चाहिए। क्या कुछ बदला 5 साल में? कुछ नहीं बदला हमारी 5 सालों में तो। तो क्या बदला, मतलब ये सब कहते हैं नहीं भाई, ये क्या बदला है? जॉब ना मिली और कुछ स्थिति सुधरी? सड़क पानी बिजली वगैरह कुछ नहीं सुधरा है। कहाँ से आए हो आप? इंगोट खेड़ा। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं। अरे तो नाम तो पूछ रहे हैं। चंद्रपाल है? चंद्रपाल, चंद्रपाल यादव। नहीं नहीं। अच्छा आपका नाम क्या है? अतुल। अतुल जी क्या कुछ ये सच बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ? सच बोल रहे हैं वो। जो विकास अगर कोई भी अगर यही यहाँ पहले स्थिति तो बदली है, देखो यहाँ काम चल रहा है। नहीं नहीं काम चल रहा होता अगर अखिलेश यादव यहाँ पे आते, अगर वो भी तो यही काम करते, क्योंकि जो यहाँ पे जाता है वो अपना राम मंदिर तो बनवाया नहीं था अखिलेश यादव ने। क्यों राम मंदिर था उस टाइम पे? वो नहीं था राम मंदिर जगह तो मुद्दा तो था उस वक्त। नहीं नहीं उस टाइम था वो ज्यादा नहीं उठाता, अब ज्यादा उठ रहा है वो। ज्यादा तो बीजेपी राज में उठाया ना? नहीं तो उठाया उन्होंने है ना, वो अखिलेश यादव नहीं उठाया यार, झूठ के बोल रहे। अयोध्या में अभी तक क्यों नहीं बना? नहीं नहीं गोली किसने चलवाई? तब से क्यों नहीं बना? अयोध्या में गोली किसने चलवाई थी? गोली की नहीं, गोली तो अभी भी यूपी सरकार। तो बड़ा मुद्दा क्या है इस बार? बड़ा मुद्दा है मंदिर है इस बार, राम मंदिर। राम मंदिर सबसे ज्यादा। राम मंदिर मामला एकदम सही बन रहा है? एकदम बढ़िया है। अभी तक चलो 70 सालों में मंदिर नहीं बन पाया, ना एक आदमी ना गोली चली ना कुछ भी चला, मंदिर बनने में सबसे बढ़िया बना है। कोई दिक्कत नहीं, ना लड़ाई का ना किसी का चांस ना रहा। टोपी का हिसाब क्या है? लाल टोपी तो चलो गड्ढे में गई, निल्ली गड्ढे में गई। तो कुल मिलाकर साफ है, यहाँ तमाम लोगों से बात की तो फिर से बीजेपी की लहर की बात सामने आ रही है। यहाँ खासकर मैंने जिससे भी बात की वो कोई सपा समर्थक नजर नहीं आए, एक दो भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि ठीक है अखिलेश यादव ने काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से जो आवाज़ है वो राम मंदिर का मुद्दा, विकास है, सुरक्षा है। अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को नतीजों में क्या कुछ तस्वीर दिखती है। कैमरामैन रवि आर्य के साथ मैं दुष्टोर उपाध्याय, वटेश्वर धाम। नमस्कार।